All right, hey guys, what's up everybody? My name is Aryan and you are watching your own channel. तो गाइज एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपके लिए लाया हूँ. आप सभी को पता था कि NSUT का तो स्पेशल स्पॉट राउंड चल रहा है, बट लेकिन अब हमारा DTU का भी स्पेशल स्पॉट राउंड होने वाला है. कब होगा और कैसे होगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं, तो इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा. पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए आपसे. ओके देखो, हमें ना क्या होता था पहले, स्पेशल स्पॉट राउंड अगर जो मैं देखूं पिछले 2-3 साल से सिर्फ NSUT का होता था, IGDTW का होता था. बट DTU में अगर कुछ सीट्स वेकेंट भी रह जाती थी तब भी वो स्पेशल स्पॉट राउंड नहीं कराते थे. बट इस बार अनएक्सपेक्टेडली, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली DTU भी अपना स्पॉट राउंड करा रहा है, मतलब स्पेशल स्पॉट राउंड जो आपका है. ठीक है, कब होगा? ये होगा आपका 12th of September, ट्यूजडे. इसमें टाइम तो नहीं गिवन है, टाइम आपको शायद बाद में बताया जाए, बट लेकिन इस गाइडलाइंस में नहीं गिवन है. तो ये मान के चलो कि सुबह 9 बजे, क्योंकि NSUT में भी हमारा सुबह 9 बजे ही हो रहा है, तो आपका DTU में भी 9 बजे हो. क्या पता कुछ और टाइम हो, अभी कुछ फिक्स नहीं है. अभी क्या पता एक नई गाइडलाइंस आए आपके लिए. और ये आपको PDF कहाँ मिलेगा? ये या तो आपको DTU की साइट पे मिलेगा या जैक दिल्ली की वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो उनके नोटिसेस में जाके आप चेक कर सकते हैं. तो उसी को मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो इसमें हमारा स्पेशल स्पॉट राउंड हो रहा है ट्यूजडे को हो रहा है, 12th of September को हो रहा है. वेन्यू क्या रहने वाला है आपका? डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम, DTU. अब आपको क्या है, DTU में रिपोर्ट करना है. आपका जो स्पेशल स्पॉट राउंड होगा इसका, ये DTU के ऑडिटोरियम में होगा. अभी देखो ये भी नहीं पता कि कौन सी सीट्स वेकेंट है, बट हाँ एक हमारा फाइल आई थी. किस चीज की फाइल आई थी? टेंटेटिव लिस्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट्स एडमिटेड इन DTU फॉर BTech प्रोग्राम. तो अराउंड कुछ 83 बच्चों ने अपनी सीट कैंसिल कराई थी DTU से, ऐसी एक लिस्ट आई थी, टेंटेटिव लिस्ट. तो ये मान के चलो कि यही शायद वैकेंसी हो, बट अभी कुछ फिक्स नहीं है क्योंकि एक प्रॉपर वैकेंट सीट्स की लिस्ट नहीं आई है. जैसी आएगी वो मैं आपको फटाफट अपडेट दे दूंगा. तो इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे अपडेट्स कोई नहीं लाता, मैं आपके लिए सबसे पहले ले आता हूँ. ओके आगे अगर हम डिस्कस करें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने JEE मेन का पेपर दिया था और उन्होंने जैक दिल्ली में रजिस्टर कर रखा है. कब रजिस्टर किया होगा? या तो आपने फर्स्ट राउंड से पहले किया होगा या सेकंड और थर्ड राउंड के बीच में किया होगा. उस दो टाइम हमारी DTU की खुली थी, तो बस जिन्होंने रजिस्टर कर लिया तो वही अब स्पेशल स्पॉट राउंड में एलिजिबल है, उन्हीं स्टूडेंट्स को जाना है. जिन्होंने नहीं किया वो नहीं जा सकते, वो एलिजिबल ही नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना. अब बात कर लेते हैं क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं. देखो डॉक्यूमेंट में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज ध्यान रखना कि आपको फीस कैसे सबमिट करनी है. फीस आपकी डायरेक्ट सबमिट होगी वहां पे 2,29,000 की बाय डिमांड ड्राफ्ट. आपको अपना डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा. वो डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैं इन ब्रीफ आपको बता देता हूँ. जैसे इसमें लिखा है कि रजिस्ट्रार DTU के नाम से पेएबल एट दिल्ली, मतलब दिल्ली में पेएबल होनी चाहिए. और किस नाम से बनवाना है डिमांड ड्राफ्ट? रजिस्ट्रार DTU. कितने का बनवाना है? 2,29,000 का. आप किसी बैंक पे जा सकते हैं, जो भी आपके आसपास बैंक है, या सेम ब्रांच के बैंक में जा सकते हैं, तो आपका डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं. बट ये है कि उस दिन मत करना, उस दिन फिर नहीं हो पाएगा. आपको ऑन द स्पॉट अपना डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ता है. अगर आप ऑन द स्पॉट नहीं दे पाओगे तो एडमिशन आपका कैंसिल कर देंगे. जैसे ही आपको सीट मिलेगी, सीट मतलब जैसे ही आपको मिली, अलॉट हुई, आपको इमीडिएटली अपना डिमांड ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं. नहीं कर पाते, नहीं लाए डिमांड ड्राफ्ट, तो दूसरे बच्चे को सीट अलॉट हो जाती है आपकी वाली. तो इस चीज का ध्यान रखना, एक दो दिन पहले ही डिमांड ड्राफ्ट बनवा के रख लेना. अब और बाकी डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं? ऑनलाइन फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म ड्यूली साइंड बाय गार्जियन, पेरेंट एंड कैंडिडेट. जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो लेके जाना है. प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ JEE मेन का लेके जाना है. फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एज इंडिकेटेड इन हाईली स्कूल एग्जामिनेशन, दैट इज क्लास 10th का आपको मार्कशीट लेके जानी है. उसका प्रिंट भी ले जाना, उसका ओरिजिनल भी ले जाना, मतलब क्लास 10, 12th, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब तो आप लेके जाना. इनको कैरी करके जरूर जाना, क्योंकि मतलब सेफर साइड के लिए, वरना वो पता क्या, मतलब ऑन द स्पॉट कुछ भी मांग सकते हैं आपसे. देन आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है. आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको किसी MBBS डॉक्टर से साइन करवाना होता है उसे,
तो वो हो जाता है, आपको वो भी करवाना है। कहाँ मिलेगा? चैप्टर 7 ऑफ एडमिशन ब्राउचर, जो आपका एडमिशन ब्राउचर है वहां पे आपको इसका मिल जाएगा पेज। ठीक है, ये सब तो था डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ध्यान से कैरी करना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में अगर थोड़ी मिस्टेक होती है फिर वो एडमिशन आपका कैंसिल कर सकते हैं। बहुत नखरे होते हैं, मतलब आप देख लेना इस चीज को ना। ओके, देन क्या प्रोसीजर रहने वाला है? द कैंडिडेट हैज टू रिपोर्ट इन पर्सन फॉर स्पेशल स्पॉट राउंड काउंसलिंग एट स्पेसिफाइड वेन्यू। वेन्यू मैंने आपको बता दिया कि आपको ऑडिटोरियम में जाना है DTU के। ठीक है, बाकी आप उस पे अपने गूगल मैप पे डाल के भी वहां पे विजिट कर सकते हैं। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी मैं आपको बता दूं तो आप रिठाला या फिर समयपुर बदली पे उतर सकते हैं। वहां से आप रिक्शा करेंगे तो 10-15 मिनट का डिस्टेंस है वहां से। ओके, तो इतना है आपका मार्क। द एडमिशन टू द कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड इन ऑर्डर टू CRL। देखो, आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा, तब आपका एडमिशन आपका दिया जाएगा वहाँ पे। इफ अ कैंडिडेट फेल टू डिपॉजिट द एडमिशन फी ड्राफ्ट इमीजिएटली, देखो इसमें भी लिखा है कि अगर आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं देते हो टाइम में, आपका इमीजिएटली एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। नॉन रिपोर्टिंग ऑफ अ कैंडिडेट एज पर द शेड्यूल एंड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विल फॉरफिट द क्लेम फॉर एडमिशन। देखो मैं बता रहा हूँ कि आपको टाइम से रिपोर्ट करना है, किस टाइम पे रिपोर्ट करना है वो तो अभी नहीं आया है, वो भी आएगा तो मैं आपको जल्दी से अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टाइम से रिपोर्ट नहीं करोगे आपका एडमिशन वो कैंसिल कर देंगे, मतलब आपको वो कंसिडर ही नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, समझ रहे हो? फिर इसमें ये भी लिखा है कि अगर आपको सीट मिल जाती है, आपने फी भी सबमिट कर दी और फिर आप चाहते हो कि आपकी फी रिफंड हो जाए, तो वो नहीं होने वाली। इसलिए बहुत सोच समझ के एडमिशन लेना। और वैसे भी अब ये लास्ट टाइम चल रहा है, इसमें तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। और DTU अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत पुराना कॉलेज है, 1940s का। ठीक है, अपने आप में काफी बड़ा ब्रांड है, तो इसलिए इस कॉलेज को आप बिल्कुल कंसिडर करना। हर एक कंपनियां आती है, चाहे लोअर ब्रांच ही हो, मेन कैंपस है आपका DTU का। ठीक है, तो वैल्यू बहुत है, बहुत एक्सपोजर मिलेगा, सब कुछ है, IPO से बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, जो आपको मतलब अगर आपको CS IT ही चाहिए तो IPO को कंसिडर करना। अगर हाँ आपको इतना आइडिया नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, या इन ब्रांचेस में आप कंफर्टेबल है तो आप ये ले लीजिए। फिर अगर आपको देखो यहाँ कोई क्वेरी आती है तो यहाँ पे गिवन है कि डिटेल्ड शेड्यूल, देखो इसमें लिखा है नीचे, अगर आप साइट पे जाओगे मतलब जो आपका गाइडलाइंस है उसमें नीचे, डिटेल्ड शेड्यूल एंड वेकेंट सीट्स विल बी डिस्प्लेड एट जैक दिल्ली। कब? आफ्टर 7th ऑफ सितंबर। 7th ऑफ सितंबर के बाद कभी भी आपकी गाइडलाइंस, कभी भी आपका शेड्यूल आ सकता है, तो वो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये भी बताएंगे कि क्या पॉसिबिलिटी किस रैंक तक बनती है। ठीक है, फिर वही यहाँ पे क्वेरी अगर आपको है तो कॉन्टैक्ट दे रखे हैं, आप DTU में कॉन्टैक्ट कर सकते। बेसिकली अभी तो इतना ही है। ठीक है, बाकी आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में अपनी Insta ID दे दी, वहां जाके पूछ लेना। DTU का मैंने कैंपस टूर भी बना रखा है, वो जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, टिल देन बाय।